इस सरकार में सरकारी नौकरी को तो हम भूल ही जाएं तो सर बेहतर है। इसी महीने में 23 तारीख को मैं लखनऊ में धरना करके आया हूँ कि सरकार की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। हमारी रात दिन की मेहनत का जो नतीजा हम पेपर देख के ये लगा हमें कि नहीं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमारा बन सकता था, वो काफ़ी हमें निराशा हाथ लगी। ये भ्रष्टाचार है और कुछ है नहीं, बस ये दावा किया जा रहा है कि मैं बेहतर कर रही हूं। हम लोग को तैयारी करने में भी डर लगता है कि एजेंडे धार्मिक रूप से बहुत है सरकार के। केंद्र में इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार बता के आए थे, विकास के नाम पे कुछ नहीं किए, नौकरी के नाम पे युवाओं को ठग रहे हैं और उनके सपने तार तार हुए। यूपीटेट का पेपर जिस प्रकार से कल लीक हुआ है तो ये यूपी सरकार की नाकामयाबी में ही गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश में टीईटी का पेपर लीक होने के बाद आंखों में आंसू भरे इन प्रतियोगियों की तस्वीरें सरकारी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। हर बार सरकारी भर्तियों के लिए पूरे साल तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की बेबसी का आलम ये है कि जुबान से बस इतना निकल पा रहा है कि काश एक अदद भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। कलेक्टर और कप्तान बनने के ख्वाब से लेकर एक मास्टरी मिलने की मजबूरी तक प्रतियोगी बेबस हैं, क्योंकि हर भर्ती का कागज पत्तर पर्चा सेंटर सब दलालों की भेंट चढ़ता जा रहा है। टीईटी की भर्ती से पहले यूपी में तमाम सरकारी नौकरियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक जाकर रद्द हो चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके पर्चे लीक हुए हैं, कुछ ऐसी जिनमें एक जात के लोग भरे हुए हैं, कुछ ऐसे जिनका विभाग आज तक परीक्षा ही नहीं करा पाया। नवभारत टाइम्स के संवाददाताओं ने हमारे आपके घर के ही प्रदेश के तमाम छात्रों से बात की। जमीन पर उतरकर जो हालात दिखे वो बताते हैं कि बेरोजगारी पर सरकार ने 5 साल में कोई मजबूत काम नहीं किया। अब चुनाव के पहले एक पर्चा लीक हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने तमाम नौकरियां दी, तो लीजिए प्रतियोगियों से ही सुन लीजिए कि सही हकीकत क्या है। शिक्षक बनने के लिए यूपीटेट की तैयारी करता था और कल एग्ज़ाम भी देने गया था और जब सेंटर पहुंचा तो पता चला आधे घंटे बाद कि पेपर लीक हो गया और हम बहुत परिश्रम करके गए थे यहाँ। हमारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और इंडिविजुअल हम बहुत परिश्रम करके गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद निराशा हाथ लगी हमारे। ये व्यवस्था बहुत ख़राब है और इस व्यवस्था में सरकार को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। इस सरकार में सरकारी नौकरी को तो हम भूल ही जाएँ तो सर बेहतर है। सरकार ने तो दावा किया है कि पिछले 5 सालों में लाखों नौकरियां दी हैं। लाखों दी हैं, पैसे वाले को नौकरियां दी हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है जी। कैसे कैसे कि 69,000 में सर हम शामिल थे, 69,000 में हम क्वालिफाई होने के बाद भी एकेडमिक कम के वजह से एससी ओबीसी का आरक्षण घोटाला की सरकार, ताकि पिछड़ा आयोग ने ओबीसी और एससी का वो जो रिपोर्ट दाखिल किया है कि इतने सीटों पर आरक्षण घोटाले किया है। इसी महीने में 23 तारीख को मैं लखनऊ में धरना करके आया हूँ कि सरकार की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हर बार पेपर लीक होता है। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि हम पेपर लीक नहीं हुआ है। कल के एग्ज़ाम में मैं भी शामिल थी और पेपर जैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद ही जैसे हम लोग फिल करना स्टार्ट किए, वैसे ही मतलब ये पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो ये क्या है, हमारी रात दिन की मेहनत का जो नतीजा हम पेपर देख के ये लगा हमें कि नहीं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमारा बन सकता था, वो काफ़ी हमें निराशा हाथ लगी और ये बहुत ही गलत सरकार कर रही है हम जैसे युवाओं के साथ। सरकार ने दावा किया कि पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नौकरी दे रहे हैं भाई, ऐसे पेपर कराया ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, उसके बाद लीक हो रहा है, तुरंत उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, बस ये भ्रष्टाचार है और कुछ है नहीं, बस ये दावा किया जा रहा है कि मैं बेहतर कर रही हूँ। ये सरकार में 5 साल में बेरोजगारी के दौर से हर युवा गुजर रहा है। ऐसा है कि सरकार में भर्तियां तो होती हैं लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते सर बच्चों को प्रदर्शन से गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं भर्तियाँ रद्द हो जाती हैं। इसलिए सर इस सरकार में भर्तियाँ तो किसी भी स्तर पर नहीं हुई हैं सर। सर सरकार का ध्यान इस स्तर पर है ही नहीं सर। सरकार धार्मिक मुद्दों पर तरह तरह के एजेंडे बनाकर बच्चों को और युवाओं को लुभाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार इस बार सर सरकार बच्चे बेरोजगारी बच्चों का यह दर्द है कि सर ये इस बार सरकार पलट देंगे और इस बार बच्चों को नए नए अवसर प्रदान किए जाएं, ऐसा हमें नई सरकारों से कामना है। हम लोग को तैयारी करने में भी डर लगता है क्योंकि हम लोग वीडियो की तैयारी, रिजल्ट भी आ गया था वीडियो का, कैंसिल कर दिया। अब कल टेट का एग्ज़ाम जो हुआ है लीक हो गया, वो भी रद्द कर दिया है। अब यहाँ इंसान इतना पैसा लगा कर दूर दराज से आता है, तैयारी करता है और जाता है एग्ज़ाम देने, पता चल रहा है कि एग्ज़ाम ही भाई रद्द हो गया है और कभी कभी इसका सिलेक्शन भी हो गया है, वो खुश है लेकिन वीडियो की वैकेंसी उसकी पूरी रद्द कर दी गई। तो कुल मिलाकर सरकार जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं शिक्षा की ओर इतना विशेष ध्यान नहीं है, ना ही
बस थोड़े इनके एजेंडे धार्मिक रूप से बहुत है सरकार के। जिस प्रकार से एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है उन बच्चों पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जो बच्चे काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे, एक तो वैकेंसी आने से न रही इस सरकार में, वो वैकेंसी भी आती है तो यहाँ तक कि पेपर आउट हो जाता है, और बच्चों के इस तरह से पढ़ाई बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और दिन प्रतिदिन एज भी और उम्र भी कम होती जा रही है, जैसे आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को। पाँच साल सरकार तो अपना आंकड़ा देती ही है, कितना नौकरी मिली है सब जानते हैं, तमाम भाई बहन जानते हैं। इनके सरकार कार्यकाल पाँच साल के कार्यकाल में 8 पेपर लीक हो चुके, जब इतने पेपर लीक हो रहे तो नौकरी कहाँ से देंगे? ये तो जुमलेबाजी है। केंद्र में इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार बता के आए थे, विकास के नाम पे कुछ नहीं किए, नौकरी के नाम पे युवाओं को ठग रहे हैं, कुछ ये बस अपनी जुमलेबाजी से युवाओं को, और इनका तो बस 3 एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा, पाकिस्तान, हिंदुत्व, इन्हीं सब पे अपनी विचारधारा लेके चल रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए क्या किए बताइए आप, कुछ नहीं किए। सपने आप इलाहाबाद में खड़े हुए हैं, अपने सपने को लेकर के आते हैं यहाँ पर, और यूपी टेट का कल पेपर जिस प्रकार से, और उनके सपने तार तार हुए हैं यूपी टेट का पेपर जिस प्रकार से कल लीक हुआ है, तो ये यूपी सरकार की नाकामयाबी में ही गिना जाएगा, क्योंकि कल ये एक छोटा सा पेपर है जो पात्रता परीक्षा है, उसको सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। बड़े बड़े इनके वादे हैं, सिर्फ वादों की सरकार है ये, सिर्फ कोई काम नहीं हो रहा है। किस प्रकार से पाँच सालों में जिस प्रकार के दावे कर रहे हैं, बड़े बड़ा 20 लाख नौकरियां इन्होंने देने के का वादा किया था जब इस सरकार में आने से, लेकिन अब भी ये सही से पेपर नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सर हम लोग प्रिपेयर तो कर रहे हैं बट पेपर टाइम पे कंडक्ट नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो लीक हो जा रहा है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लगता है सरकार अपने वादे पर खरे उतर रही है? बिल्कुल नहीं, नौकरियाँ मिली हैं बहुत से लोगों को, योग्यता के आधार पर मिली हैं, जो योग्यता उनको मिली है, और फिर भी अभी भी काफ़ी कमियां हैं नौकरियों में, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है उस हिसाब से, और बेरोजगार ज़्यादा है, उस अपेक्षा के हिसाब से नौकरियां भी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, यहाँ पे करोड़ों नौजवान हैं जो मतलब जिनको नौकरी की तलाश है, तो इतनी बड़ी आबादी में इतनी मतलब की नौकरियाँ अभी पता नहीं चल रही है। हम लोग खुद प्रयासरत हैं कि हम लोग को जल्द नौकरी मिले, तो खैर नौकरियाँ मिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग लंबे समय से मेहनत करते हैं, 7 साल भर उसी पेपर की तैयारी करते हैं, और जब आप सेंटर पे पहुंचे और पता चले कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो बड़ा दुख होता है। पेपर लीक के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी देखिए, पेपर लीक के लिए कई स्तर पे लोग दोषी हैं, अब कौन है ये तो मेरा उचित नहीं है कहना, लेकिन हाँ प्रशासन ने जैसा बोला है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, और तो मेरी मतलब मुझे यही उम्मीद है कि आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो सामने। जो छात्र मेहनत कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका कम से कम परीक्षा हो, उसका जो भी परिणाम उससे मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए।